फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक पैनल। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फायरबोल्ट इनक्रेडिबल स्मार्ट वॉच, जो आप देख सकते हैं मैं अपने हाथों में पहन के रखा हूँ। और ये जो है फायरबोल्ट का एक एमोलेड स्क्रीन वाला जो है स्मार्ट वॉच है। और इस वीडियो में आपको इसका अनबॉक्सिंग, इसका प्राइस, इसका बिल्ड क्वालिटी, इसका फीचर्स सब कुछ बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। तो फ्रेंड्स, फाइनली वो फायरबोल्ट का इनक्रेडिबल स्मार्ट वॉच जो मैंने बाय किया था वो आ चुका है। इस पैकेट में आया है, आप देख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार का जो पैकेट के साथ आया है, पीछे में देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है। तो अभी हम इसको जो है फाड़ते हैं। तो इसके अंदर आपको एक और बॉक्स देखने को मिलेगा। जी हाँ, एक और बॉक्स है, कुछ इस प्रकार का है, इस बॉक्स में आया है। इसके अंदर एक और बॉक्स होगा डेफिनेटली। जी हाँ, जो स्मार्ट वॉच का जो बॉक्स है वही होगा। तो इसको हम इस तरह से फाड़ के ओके। तो सबसे पहले ये क्या है, ओके एक इनवॉइस है, बहुत बड़ा इनवॉइस है यार, बहुत बड़ा इनवॉइस आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के साथ साथ ये देखिए एक पैकेट जो पूरा सील्ड है। तो इसको हम फाड़ते हैं। तो अभी चक्कू वगैरह कुछ नहीं लाए हैं, तो डायरेक्ट ही नाखून है हमारा। जी हाँ, घर से हमने प्लास्टिक रैपर हटा दिया और कुछ इस प्रकार से दिखता है। आप देख ही सकते हैं कि फायरबोल्ट इनक्रेडिबल 1.3 इंच एमोलेड डिस्प्ले है। आप देख ही सकते हैं इधर विराट कोहली का जो है फोटो है। और पीछे की तरफ आप देखेंगे 1.3 इंच एमोलेड डिस्प्ले, SPO2 मॉनिटरिंग, मल्टीपल वॉच फेसेस, 7 डेज बैटरी, अलार्म स्टॉप वॉच, स्लीप मॉनिटरिंग, म्यूजिक कंट्रोल, वेदर अपडेट, कैमरा कंट्रोल। और ये जो मेन फीचर्स है आप इधर देख ही सकते हैं कि जो सारे जो फीचर्स है, जो एक्चुअली स्लीप मॉनिटरिंग, मेडिटिंग, ब्रीथिंग, ये सारे ट्रेनिंग मोड जो है आप इधर से एक एक करके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सकते हैं कि iOS 8.0 एंड अबोव उसके ऊपर के वर्जन के ऊपर काम करेगा और Android 4.4 एंड अबोव उसके ऊपर काम करेगा। इधर आप इसका MRP वगैरह देख सकते हैं कि 13,000 इसका MRP लिखा हुआ है, लेकिन इतना नहीं है। और इधर आप देख सकते हैं 360x360 रेजोल्यूशन, स्पिनोमीटर मॉनिटरिंग, हार्ट रेट सेंसर, IP68 वाटर प्रूफ भी है इधर। तो कुछ अभी इसको सिंपली हम बाहर निकालते हैं। तो ये रहा हमारा पहला एमोलेड वाला स्मार्ट वॉच। जी हाँ, आप देख सकते हैं ऊपर एक प्लास्टिक रैप है विराट कोहली का फोटो के साथ। आपको स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं कि मैंने जो है मेटेलिक ग्रे वाला जो है ऑर्डर किया है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का ये दिखता है। पीछे की तरफ आप देख ही सकते हैं कुछ इस प्रकार का है और इसका स्ट्रैप है। सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा। तो ये रहा इसका एक्चुअल डिस्प्ले। आप इसको हम साइड में रखते हैं वॉच को और देखते हैं कि अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसके बाद और क्या मिलेगा देखने को, ओके आपको एक जो है मैग्नेटिक चार्जर देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का। जी हाँ, ये मैग्नेटिक चार्जर ही है USB के साथ। और एक आपको फायरबोल्ट का जो है, वाओ इतना बड़ा मैनुअल, बहुत बड़ा मैनुअल है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इसका जो मॉडल नंबर है लिखा गया है और इतना बड़ा मैनुअल है। और क्या दिया गया है, फायरबोल्ट का इंस्टाग्राम पेज फॉलो करने के लिए एक चीज़ दिया गया है, ओके Z5 प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। इससे पहले भी मैंने एक स्मार्ट वॉच जो है अनबॉक्सिंग किया था, उसमें भी ये था। एक्चुअली आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा Z5 का एक महीना का। उसके बाद फायरबोल्ट का एक एप्लीकेशन है, जी हाँ वो भी है, फायरबोल्ट 3 मंथ गाना सब्सक्रिप्शन, ये भी दिया गया है सेम चीज़। और ये वारंटी कार्ड आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे चीज़ मुझे लगता है कि हर फायरबोल्ट में वो लोग देते हैं। तो अभी इसको हम साइड में रखते हैं सारे चीज़ को। अभी आते हैं मेन स्मार्ट वॉच की तरफ। तो ये ऑन हो चुका है, वाइब्रेट बहुत ही तगड़ा है, ऑन बहुत ही जल्दी हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये डायल फेस है जो डिफॉल्ट है विराट कोहली का। तो अभी हम इसको चेंज करते हैं, टैप एंड होल्ड करेंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारे जो है आपको देखने को मिल जाएगा इन बिल्ड, और अलग से तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो कुछ इस प्रकार का है। अभी तो हम ए वाला सेट करके रखते हैं, कुछ इस प्रकार का आप देख सकते हैं। इस साइड में नीचे स्वाइप करते हैं तो और आपको ये मेनू देखने को मिल जाएगा। और इस साइड में आपको हार्ट रेट सेंसर, SPO2, ब्रेथ सेंसर, मतलब कि सांस लेने के लिए जो है एक्चुअली म्यूजिक प्लेयर, उसके बाद फिर से ये। और इस साइड में आप देख सकते हैं कि ये राउंडेड डायल आपको देखने को मिल जाएगा। इधर सारे चीज़ गेम भी है इसके अंदर, तो इसको ही पहले देखते हैं, ओके फ्लैपी बर्ड और 2048 करके एक गेम है, इसको प्ले करते हैं। तो इस प्रकार का, ओके टैप करके जो आप फ्लैपी बर्ड खेलते हैं उसी प्रकार का है एक्चुअली। तो आपको गेम भी देखने को मिल जाएगा इनबिल्ट। इसका ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट प्ले स्टोर से, दाफिट अगर आपको विश्वास नहीं होता कि वही है तो आप सेटिंग में जाइए,
जी हाँ, आप सेटिंग में क्लिक करना, उसके बाद आपको इधर ऐप डाउनलोड देखने को मिल जाएगा, तो क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा, तो ये सेम एप्लीकेशन है दाफिट। तो सिंपली आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। इसका डिस्प्ले, इसका बिल्ड क्वालिटी और स्ट्रैप क्वालिटी तीनों ही बहुत ही बेहतरीन है। स्पेशली इसका डिस्प्ले टॉप लेवल का है, ब्राइटनेस के हिसाब से भी और एमोलेड डिस्प्ले है उस हिसाब से भी बहुत ही बेहतरीन है। प्रीमियम क्वालिटी आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा इस वाले में। डिस्प्ले में मैं काफ़ी इम्प्रेस, देखिए बहुत ही ब्राइट है, ऐसा नहीं कि मैं देखिए डायरेक्ट सनलाइट में आता हूँ तब भी ये बहुत ही विजिबल है, आप देख ही सकते हैं इतना ज़्यादा ब्राइटनेस है। मैं डायरेक्ट सनलाइट में हूँ बहुत ही ज़्यादा, और बहुत ही बेहतरीन इसका जो है डिस्प्ले है। पता नहीं आप देख पा रहे हैं नहीं कैमरे में, लेकिन इसका ब्राइटनेस मैं सचमुच कहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया है। स्ट्रैप्स काफ़ी सॉफ्ट है, लचीला है, काफ़ी बेहतरीन है। पीछे आप देख ही सकते हैं कि फायरबोल्ट का ब्रांडिंग है, सेंसर वगैरह है और चार्जिंग पोर्ट है। पीछे जो है प्लास्टिक है और साइड में जो है मेटालिक है। जी हाँ, पीछे प्लास्टिक है ये वाला और साइड में जो है मेटल दिया गया है। ये वाला ऊपर का पार्ट भी मेटल का है। और स्ट्रैप्स में आप देख ही सकते हैं कि पिन फिटिंग है, मतलब कि आप इसको जो है स्लाइड करके स्ट्रैप्स को जो है आप बाहर निकाल सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, चेंजेबल स्ट्रैप्स है। होता है आप देख ही सकते हैं कि सेटिंग में आपको इधर जो है सारे फीचर देखने को मिल जाएगा। तो ये एमोलेड स्क्रीन है, तो सबसे पहले आपको दिखा देना चाहूँगा कि इधर जो है स्क्रीन क्लॉक, जी हाँ ये तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है और ऑफ तो हो ही जाता है, फिर आप इस तरह से करते हैं तो ये ऑन होता है। जी हाँ ये वेब गेस्चर जो है सपोर्ट करता है, लेकिन आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो एमोलेड है तो भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो चाहिए होगा। तो स्क्रीन क्लॉक के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा दो टाइप का, एक है डिजिटल क्लॉक का, दूसरा वाला है एनालॉग क्लॉक का। मैं आपको दोनों ही दिखाता हूँ, ये देखिए। लेकिन जैसे ही मैं सेट करने जाता हूँ, इधर लिखा है कि जो है बैटरी टाइम हाफ हो जाएगा अगर आप इसको यूज़ करेंगे। जी हाँ, हर वक्त जलेगा तो डेफिनेटली बैटरी बहुत ही कम होगा। तो इसको मैं ऑन करता हूँ तो डिजिटल क्लॉक कुछ इस प्रकार का है, आप देख ही सकते हैं। जैसे ही ऑफ होगा तो डिजिटल क्लॉक के ऑलवेज ऑन इस तरह से जो है काम करता है। जी हाँ, इस हर वक्त जलता रहेगा। जी हाँ, जब भी आप ऑन करेंगे तो इसको आपको प्रेस करना होगा तो ये ऑन होगा। अभी एनालॉग क्लॉक कैसा है तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला। ओके, तो ये देखिए एनालॉग क्लॉक इस प्रकार का है जो हमेशा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ये वर्क करता है। एक चीज़ बोलना चाहूँगा आपको कि इस एनालॉग क्लॉक मतलब कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में आप इस तरह से वेब करके जो है ऑन नहीं कर सकते। जी हाँ, आपको ये प्रेस करना होगा तभी जो है इसका डिस्प्ले ऑन होगा ठीक तरह से। दाफिट ऐप से कनेक्ट कर लेने के बाद कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दाफिट एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो कुछ इस प्रकार से जो है इंटरफेस है, ऐप इंटरफेस से कनेक्ट करना बहुत ही आसान है, बस आपको इधर ऐड करना है। तो वॉच फेस में आप देखेंगे टोटल आपको जो है 10 वॉच फेसेस डिफॉल्ट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, डिफॉल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और कस्टम वॉच फेस की बात करें कि मतलब कि खुद का फोटो, तो वो आपको फेस टू वॉच फेस टू में इधर आपको जो है खुद का जो है फोटो लगा कर जो है देखने को मिल जाएगा। और एक और बात कि ये बहुत ही फास्ट है, आप देखना जैसे सेट करता हूँ इधर तुरंत जो है ये अपडेट हो जाता है, ये देख सकते हैं बहुत ही फास्ट है। खुद का फोटो लगाने के बाद कुछ इस प्रकार से ये दिखता है, आप देख ही सकते हैं, कोई भी फोटो लगा सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं। तो क्लाउड में से आपको और भी जो है देखने को मिल जाएगा वॉच फेसेस, तो आप इसको भी डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारे हैं एक्चुअली, इसको इस टाइप से स्वाइप करते हैं तो आपको नीचे जो मेनू देखता है वो सेम मेनू आपको जो है डायल फेस में इस साइड में देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, तो एक्सरसाइज मोड में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हैं, जैसे कि इधर कंपनी ने क्लेम किया है कि 28 किधर गया भाई, 28 स्पोर्ट्स मोड है। तो इधर आपको 28 स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग और स्किपिंग, बैडमिंटन, बहुत सारे जो है आपको स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाएगा, वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक एक करके। सीट अप, ऑन फुट, क्रिकेट, तो ये सारे जो है देखने को मिल जाएगा और इस तरह से ऑन हो जाएगा जब आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं या फिर कुछ भी करते हैं। IP68 वाटरप्रूफिंग है, तो आप इसके साथ स्विमिंग भी कर सकते हैं, तो स्विमिंग मोड तो इसीलिए दिया गया है, आप तो इसको पानी में ले जा सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। जी हाँ, लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, तो ये वाटरप्रूफिंग है, आप इसके ऊपर पानी भी डाल सकते हैं, कुछ भी नहीं होगा। नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कीजिए तो कॉलिंग का सबसे पहले मैं आपको इनेबल करना दिखाऊंगा। देखिए कुछ इस प्रकार से, फिर आपको अलाउ करना होगा, फिर से आपको अलाउ करना होगा, फिर से आपको अलाउ करना होगा। अलाउ कर देने के बाद जब भी कॉल करेगा तो आपको इधर शो करेगा। कनेक्ट कर लेने के बाद जब कॉल आता है तो कुछ इस प्रकार से पॉपअप आता है। स्मार्ट वॉच में दो बटन है, एक काटने का, दूसरा है साइलेंट करने का। तो मैं आपको डायरेक्ट काट के दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे काटते हैं तो वहाँ पे भी कट जाता है। अगर आपका कोई भी मैसेज या फिर नोटिफिकेशन आए व्हाट्सएप में तो आपको इधर जो है शो करता है कुछ इस प्रकार से आइकॉन के साथ। और अगर आपको नोटिफिकेशन देखना है कि कौन सा आया था तो इधर से देख सकते हैं, आप इसको जो है टैप कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। जी हाँ, रिप्लाई का और कुछ भी नहीं है, पढ़ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं हम डायरेक्ट। ओके, देखिए 3 2 1 काउंट होगा, उसके बाद ये जो है पिक क्लिक करेगा। जी हाँ, आपका डिफॉल्ट कैमरा ओपन नहीं करेगा, उनका ही खुद का एक कैमरा पॉपअप आएगा, फिर वो
काम करेगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इधर आपको फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन, टाइम फॉर्मेट देखने को मिल जाएगा, यूनिट और भी बहुत सारे जो है आपको म्यूजिक कंट्रोल के लिए एनेबल करना पड़ेगा, बैटरी सेविंग, लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश ही आपको समझ आएगा, अदर्स बहुत सारे चाइनीज फाइनेंस वगैरह है तो देखने लायक है नहीं, हिंदी भी नहीं है। और ऑटो लॉक, ये जो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं ऐप की मदद से, 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड या फिर 15 या फिर 20 वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। 5 सेकंड बहुत ही कम है तो 10 सेकंड में करता हूँ, ओके 10 सेकंड आप कोई भी कर सकते हैं। अगर आपको रिसेट करना है जो पहले था वो करना है तो आप रिसेट कर सकते हैं। क्विक व्यू, एक क्विक व्यू मतलब कि इस तरह से हाथ को स्वाइप करने से वो वाला है। इधर में आपको एक चीज़ जो है आपका सिटी जो है इधर आपको जो है डालना पड़ेगा, जैसे कि मैंने डाल के रखा है, बस आपको आपका सिटी का नाम और जिप को डालना है, जी हाँ वो वैसे आपका हो जाएगा। इधर भी आपको वेदर देखने को मिल जाएगा, डायरेक्ट इधर से आपको शो करता है, उधर में आपको इधर सारा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का, आप देख सकते हैं मंडे टू फ्राइडे। फेस होम पेज स्टेप्स वगैरह आप इधर से डायरेक्ट देख सकते हैं, पहले वीक और मंथ एक महीने तक आप देख सकते हैं स्टेप्स वगैरह, और स्लीप मॉनिटरिंग भी आप इधर से पूरा डेटा देख सकते हैं, जी हाँ जैसे आपको देखने को मिल जाएगा हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन, आउट रनिंग आपको इधर और भी देखने को मिल जाएगा जो आप यूज़ करेंगे उस ऐप वॉच में। बात करते हैं इस स्मार्ट वॉच की एक्यूरेसी की, इसका स्टेप काउंटिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, हार्ट रेट सेंसर, SPO2 और भी 28 डिफरेंट जो है इसके अंदर स्पोर्ट्स मोड दिया गया है। तो जो हम नॉर्मली करते हैं वॉकिंग, स्टेप्स काउंटिंग, स्लीप ट्रैकिंग तो और हार्ट रेट सेंसर, तो वो सब कुछ बहुत ही बेहतरीन वर्क करता है। जी हाँ ऐसा भी बहुत ही एकदम ख़राब जो है एक्सपेंसिव वैसा नहीं है, बहुत ही बेहतरीन है। जो स्टेप काउंटिंग में भी बहुत ही बढ़िया है, हार्ट रेट सेंसर भी काफ़ी हद तक सही है, जो डॉक्टर्स के पास होता है उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए आपको, जी हाँ अदरवाइज बहुत हद तक एक्यूरेसी बहुत बढ़िया तक करके देगा, तो उसमें कोई भी मुझे शिकायत नहीं है। SPO2 हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर तो सभी जो है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इसको जो है नीचे बैकग्राउंड में करके देखिए कि क्या ये काउंट करता है, तो मैं इसको नीचे रख देता हूँ और इसको जो है चेक करता हूँ कि क्या नीचे काउंट करता है, तब देखेंगे। इधर डायरेक्ट लिखा रहा है कि प्लीज़ रीवेयरिंग, मतलब कि पहनने के लिए बोल रहे हैं जब मैं SPO2 चेक कर रहा हूँ। तो अभी हार्ट रेट का भी देख लेते हैं क्या इसको काउंट करता है या फिर नहीं। तो जी हाँ ये स्मार्ट वॉच सचमुच स्मार्ट ही है, ये काउंट नहीं करता जब तक आप इसको हाथ में नहीं पहनते। कंपनी क्लेम करती है कि 7 दिन आपको बैटरी देखने को मिलता है, लेकिन अगर आप इसको जो है थोड़ा नॉर्मली यूज़ करते हैं तो आपको 5-6 दिन चल जाएगा, और अगर आप कुछ भी नहीं करते, मोबाइल से कनेक्ट नहीं करते, इसका वाइब्रेशन वगैरह डिस्प्ले का जो है ब्राइटनेस कम करके रखते हैं तो आपका और भी ज़्यादा दिन 7 दिन से ज़्यादा भी चलेगा। जी हाँ ये डिपेंड करता है यूज़र की यूसेज के हिसाब से, तो उस हिसाब से एकदम सटीक से नहीं बोलना चाहते हैं कि इसका जो है बैटरी बैकअप इतना है या फिर इतना है, लेकिन कंप्लेन क्लेम करते हैं कि 7 दिन आपका इसका बैटरी जाएगा। इस वॉच का प्राइस है 3,500 रुपये, इस प्राइस में एमोलेड स्क्रीन और इतना बेहतरीन डिस्प्ले और भी बिल्ड क्वालिटी में भी काफ़ी अच्छा है, तो उस हिसाब से आप इसको डेफिनेटली बाय कर सकते हैं। जी हाँ काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, तो अगर आपको ये बाय करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ पे जाके आप इसको बाय कर सकते हैं।